की बहन ने अकाली दल को छोड़कर कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री की अगुवाई में बीते दिनों कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी। कांग्रेस ज्वाइन करने का बड़ा कारण क्या था, आइए आपको मिलवाते हैं गैंगस्टर रह चुके जसविंदर सिंह राखी की बहन राजदीप कौर से, जो राखी की हत्या के बाद 2017 में विधानसभा चुनाव लड़ी थी, जिसमें उन्हें करीब 38,000 वोट हासिल हुए थे, जिनमें उनका मुख्य मुकाबला बीजेपी के पंजाब में सेहत मंत्री रह चुके सुरजीत कुमार जियानी वे कांग्रेस के कैंडिडेट दुविंदर सिंह घुभाया के साथ था। राखी का जब मर्डर हुआ तो गैंगस्टर जयपाल का नाम सामने आया था, लेकिन आज तक इस केस में कोई आगे कार्रवाई नहीं हो पाई है। राजदीप कौर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उन्होंने जब अकाली दल ज्वाइन किया था तो सुखबीर सिंह बादल ने कहा था कि सुरजीत कुमार जियानी को अब बीजेपी में टिकट नहीं मिलेगी, तो उन्होंने इसी शर्त पर अकाली दल ज्वाइन किया था, लेकिन जब भी जनसभाएं होती तो हमेशा सुरजीत कुमार जियानी को अकाली दल आगे रखता और उन्हें दरकिनार किया जा रहा था, जिससे उनमें व उनके वर्करों में रोष पाया जा रहा था, क्योंकि उनको आशंका है कि रॉकी की हत्या में सबसे बड़ा हाथ पूर्व सेहत मंत्री रह चुके बीजेपी के फाजिलका से विधायक सुरजीत कुमार जियानी व उनके निजी पीए राकेश सहकल का रहा है, जिन्होंने गैंगस्टर को रॉकी को मारने के लिए मोटी रकम अदा की थी, जिसके रॉकी के हाथ से लिखे हुए सबूत आज भी उनके घर में मौजूद है। उन्होंने कहा कि वह अपने दुश्मन के साथ कैसे मिल सकती है, क्योंकि जो उसके भाई का दुश्मन था वह उनका भी दुश्मन है। उन्होंने अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल के ओएसी रह चुके सिंदरजीत सिंह मंटा पर भी बड़े आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि वह एक दबंग आदमी है और जब से उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन करने की सोची है तब से वह उन्हें और उनके वर्करों को धमकाते आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनके वर्करों को धमकी दी जा रही है कि आप पर नाजायज पर्चे दर्ज किए जाएंगे जो भी राजदीप कौर का साथ देगा। यही कारण है कि उन्होंने अकाली दल छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन की है, क्योंकि उन्हें अकाली दल में पूरा मान सम्मान नहीं मिल रहा था। अगर वह वर्करों की समस्याओं की बात करते तो उन्हें टाल मटोल कर दिया जाता। रॉकी तो बाद जो वर्कर से रॉकी के उन्होंने वालों ही मैं राजनीति लिया गया। मैं एक घरेलू लड़की सी, उस तो पहला राजनीति चाहन का कोई विचार नहीं सी, लेकिन उन्होंने वर्कर्स वालों रॉकी के जाने बाद मैं राजनीति से लिया गया जी। मैं पहला इंडिपेंडेंट लड़िया इलेक्शन, उस तो बाद असी पार्टी ज्वाइन इसलिए की कि चलो कम कार होंगे है, जिमें हम एम पी सुखबीर सिंह बादल लड़ रहे हैं पार्लियामेंट के इलेक्शन, तो वो भी सानू ये कि चलो वो लड़ते हैं तो साढ़े काम कार जी पब्लिक मेरे नाल जुड़ी हुई है उन्होंने काम कार हो गए। पर जो उन्होंने वालों कोई पावर ही नहीं दी जा रही थी कि उन्होंने ये कहा कि जो मैं जितूँगा तो इतों के जोड़े मंत्री सुरजीत कुमार जैनी उ सारे काम करवाएंगे। देखो मेरे को इन्नी वोट है 40,000, तो वो उन्होंने काम वो जैनी साहब तो संतुष्ट नहीं सी तो साढ़े वाल आए ना, नहीं तो पब्लिक का रॉकी के जाने तो बाद वो जैनी साहब वाल चले जाते। जे उन्हों तो संतुष्ट नहीं सी तो उन्होंने मैं एक घरेलू लड़की इलेक्शन खड़ा किया, तो जदों अज मैं हर रैली या हर धरने उन्हों का समर्थन दे रही सी, इन्नी पब्लिक मेरे नाल जी जुड़ी हुई है वो सारी मेरे कहने उन्होंने उन्हों का काम करती सी, तो फिर जो उन्होंने काम जो सुखबीर सिंह बादल जित जाएंगे तो उन्होंने काम मैं ही करवाने है ना, जो वो कहें भी वो जैनी साहब ही करवाएंगे सारे तो फिर मैनू कोई पावर ही नहीं देन दा कह रहे सी वो इलेक्शन तो बाद, तो फिर मैं किस आसते उन्होंने वोट मंगती पब्लिक नू मैं की कहती कि मैं थोड़े काम करवा के देऊंगी, तो जदों के वो लोग बिल्कुल निर्दोष सी कि किसी नू वोट अपनी मर्जी नाल दवाना इन्ना वड्डा पाप है कि उत्ते परचा होगा। कमाल है इस बिल्कुल मैनू बिल्कुल गुंडा टाइप लग्या सिस्टम, इस करके भी मैनू होर भी नफरत होगी। फोन कॉल्स मैनू यही आईया ना, फोन ते ही मैनू कहा गया कि अंजाम भुगतना पऊगा और जो तुम बादशाह की पौड़ी खिंचोगे तो उन्होंने गुस्सा आऊगा। फाजिलका से रंजीत सिंह की रिपोर्ट।